नाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्या, ये तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। और यहाँ पे देखिए दूध रखा हुआ है। तो इस डेगची में गाय का दूध है और इसमें जो है भैंस का दूध है। लगभग डेढ़ दिन के लिए दोनों ने यहाँ सिलौट कुटवा लिया है। तो मैं अपना जो सिलबट्टा है वो कुटवा रही हूँ और आप सबको दिखाती हूँ ये कैसे कूटते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है दोस्तों और इसी में दूध है। हमारा सिलबट्टा देखिए कुटा गया है दोस्तों और 50 रुपया लिए हैं इसी का कुटने का। तो हमने 50 रुपया पूरा दे दिया, 50 रुपया ही उन्होंने मांगा था। तो गरीब लोगों की मेहनत होती है, इसमें गली गली घूमते हैं इसीलिए। तो 50 रुपया बोला और 50 रुपया मैंने दे भी दिया। तो कुछ अब इस तरह से लग रहा है, मसाला पीसने के काम में आ जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं सिलबट्टे पे हम लोग पीसते हैं, जैसे चटनी वगैरह हो गया तो सिलबट्टे पर का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हमारा सिलबट्टा कुटा गया है और उधर दूध भी मैंने चढ़ा रखा है, दिखाती हूँ। तो इधर देखिए दूध भी चढ़ा हुआ है, अभी उबाल नहीं आया दूध में, उबाल आ जाएगा उसके बाद इसको फाड़ेंगे। नींबू का रस इसके लिए मैंने लिया है, ये देखिए 4 नींबू मैंने लिए हैं। तो आज नींबू से ही हम लोग जो है छेना फाड़ने वाले हैं। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा। दूध को उबाल लेते हैं और इसमें पहले 1 ही नींबू का रस निकाल के रखते हैं। अगर 1 नींबू से फट जाएगा ना तो फिर दूसरा नींबू रखने देंगे। 1 नींबू को देख लेते हैं, हमारे दूध में उबाल आ गया है। तो इसमें अब थोड़ा सा पहले डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस देखते हैं इसे फटता है कि नहीं। तो देखिए फट गया, इतना डालने देते हैं, जरूरत के हिसाब से ही डालेंगे, ज्यादा डालने से क्या फायदा। तो हमारा दूध जो है देखिए अच्छे से फट गया है, इसको चूल्हे पर से उतार देते हैं ताकि नरम हो रहे। तो ये देखिए दोस्तों, 1.5 नींबू का रस मैंने लिया था, वहाँ पे 1/2 नींबू रखा हुआ है और 1.5 नींबू में से भी इतना मैंने बचा लिया है। इतने में ही हमारा दूध बहुत अच्छे से फट गया है। तो इसे एक सूती कपड़े पे छान लेंगे। तो इसे एक सूती कपड़े में छान लेते हैं। इसे ऊपर से पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो खट्टापन है ना वो निकल जाए। और इसको धो लेते हैं ताकि जो भी खटास हो वो निकल जाए। अच्छे से धो लिए हम छेने को, इसमें जो भी खट्टापन होगा ना खट्टापन वो निकल गया होगा। खूब अच्छे से इसको धो लेते हैं और इसको इस तरह से पानी निकाल लेते हैं। 1.5 किलो गाय का दूध का इतना ही छेना निकला है दोस्तों। ऐसे गोल गोल करके नचा नचा के इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। तो इसको पूरा एकदम नहीं सुखाना है, बस जितना पानी निकल सके कहीं इसको टांग देंगे। बस ये जो धार बन रही ना वो टिप टिप करके मतलब गिरना बंद हो जाए उतना देर तक हम इसको रखेंगे। तो लगभग 1/2 घंटा रखेंगे ना तो अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। तो जितना निकलता है हाथों से उतना निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ना कहीं टांग देंगे। इस तरह से देखिए पानी इसका निकाल लेते हैं। टांग देते हैं इस तरह से, बस टिप टिप करके पानी चूना बंद हो जाएगा तो इसको अच्छे से फिर बांधेंगे। और इस कढ़ाई को साफ कर लेते हैं, इसमें हम रबड़ी की तैयारी करेंगे। कढ़ाई में दूध को डाल देते हैं, इतना ही दूध रखते हैं। लगभग 1 केजी है, 1 केजी के करीब। इसको करेंगे गाढ़ा, थोड़ा 12 मिनट तक पका लेते हैं इसको।
और खोल दे। तो देखिए दोस्तों, दूध हमारा उबल चुका है लेकिन ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, इसे गाढ़ा करना है। तो 1 kg दूध हमने लिया है, ये भैंस का दूध है जो हम इसका बना रहे हैं रबड़ी। तो भैंस का दूध वैसे भी बहुत गाढ़ा होता है और फुल फैट दूध है, इसकी मलाई भी हमने इसी में बना ली है। इसको गाढ़ा कर लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ पर देखिए आधा इसे लिया है हमने चीनी, 250 ग्राम का डब्बा है, उसमें आधा हमने चीनी लिया है। तो चीनी को भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हमारा मीठा हो जाएगा, वैसे भी भैंस का दूध है तो मीठा है। और थोड़ा सा हमने चीनी भी डाल दिया है, अगर आपके पास थोड़ा केसर हो तो केसर के धागे भी 6-7 इसमें डाल दीजिए। इस केसर से रसमलाई बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन हमारे पास नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। तो सब लेमन येलो कलर भी डालते हैं, लेकिन मैं बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, घर के ही चीज़ों से मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें एकदम थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी कलर के लिए सिर्फ। दोस्तों हमारे पास केसर नहीं है ना ही लेमन येलो कलर है, तो हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, लेकिन एकदम चुटकी भर है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, हल्का येलो येलो पीलापन आ जाएगा। और इसके साथ डाल देते हैं इसमें ये कुटी हुई इलायची, 4 इलायची लिए हमने, इसको कूट लिया है और ये डाल देते हैं। थोड़ी सी हमारे पास ये है काजू और बादाम है, देख लीजिए, तो काजू बादाम है थोड़ा सा, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं चारों तरफ थोड़ा बहुत चिपकने भी लगा है, तो इसको हम थोड़ा सा किनारे से छुड़ा लेते हैं। इसको एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जो हमारे छेना है ना उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। नज़दीक से दिखाइए, तो देखिए दूध हल्का गाढ़ा हो गया है और कलर भी आ गया है हल्का येलो का। हमने ज़रा सी इसमें हल्दी डाली है, बहुत ही कम, थोड़ा सा इसको उबालेंगे और उसके बाद चूल्हे पे से उतार के रख लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा ये रबड़ी बनके तैयार हो गया, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है, 1 kg दूध का ये रबड़ी इतना बना है। तो इसको अब चूल्हे पर से उतार लेते हैं और चढ़ाते हैं इस पर दूसरा बर्तन, इस पर डालते हैं इसे 1 डब्बा चीनी और इसमें लगभग 1.5 किलो पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाला है, इस गिलास से 3 गिलास में पानी डालूंगी और पानी लेके आती हूँ। 1 गिलास मैंने डाल दिया है, ये दूसरा गिलास है। अब देखिए इसमें और पानी डाल देते हैं, तो आधा गिलास और डाल दिया है, मतलब 2.5 गिलास पानी मैंने बड़े वाले गिलास से इसमें डाला है। अब इसको चाशनी बनाते हैं और उबलने तक पड़े देते हैं, तब तक आते हैं छेना देखते हैं। देखिए हमारा छेना कुछ इस तरह से एकदम सूखा भी नहीं है और एकदम गीला भी नहीं है, तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। पानी तो इसमें बिल्कुल नहीं है लेकिन मॉइस्चर है, एकदम सूखा ना रखें, सूखा रखने से ठीक नहीं रहता है। अगर सूखा हो तो 1/2 चम्मच पानी डालें। हमारा छेना बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, इसको अब 10 मिनट तक हाथों से मसलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से छेने को हाथों से मसल लेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट मसलेंगे, एकदम मक्खन की तरह इसे बनाना है। और हमारा छेना बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है, बहुत अच्छा हमारा छेना बन के तैयार हुआ है। खूब अच्छे से इसको इस तरह से हाथों से हथेलियों की सहायता से इसको ऐसे ऐसे मसलना है। और हमारा जो छेना है पानी में उबालने के बाद फटे ना, इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे या फिर 1 चम्मच मैदा डालेंगे। तो मेरे पास मैदा है तो मैं मैदा डाल देती हूँ 1 चम्मच, उसके बाद इसको और अच्छे से फेंटेंगे। तो देखिए दोस्तों 1 चम्मच मैंने मैदा लिया है, मैदा डालने से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही, 1 चम्मच मैदा डालने से हमारे जो छेना जब हम पानी में उबालेंगे ना इसको, तो ये फटेंगे नहीं और इसको अच्छे से हाथों से। तो देखिए दोस्तों चूल्हे के पास बहुत गर्मी लगने लगी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई,
सिलोट भी आज ही हमने कुटवाया है, दिखाया है, अच्छा लग रहा है उसको। पहले कुछ घास पास पीस के उसको सही करेंगे, उसके बाद मसाला पीसा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थाली में इसको लगभग 5-6 मिनट मैंने मसल लिया है, और मसलेंगे भी। अभी ये नहीं हुआ ठीक से, तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से मसलते जाएंगे। इसे मसलने में टाइम लगभग 10 मिनट लग ही जाते हैं अच्छे से। मैंने पहले चेक किया, छोटे से गोली बना के हम इसको चेक करेंगे इस तरह से दबा के, तो देखते हैं अगर क्रैक्स नहीं बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो और मसलना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा भी क्रैक्स आप देख सकते हैं बन रहा है, तो इसको अभी और 3-4 मिनट और मसलेंगे हथेलियों की सहायता से। इस तरह से एकदम मक्खन के जैसा बनाना है हमको, और सारा जो इसमें प्रोसेस है मसलने में ही लगता है। अगर अच्छे से मसले रहते हैं ना तो पानी में उबालने पर ये नहीं फटते हैं। बहुत अच्छे से डो तैयार हो जाएगा हमारा। तो अभी इसको 3-4 मिनट और मसलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। इस तरह से हथेलियों की सहायता से इसको खूब मसलेंगे दोस्तों, ऐसे हमारा छेना एकदम मक्खन के जैसा हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं डो हमारा बनके तैयार है एकदम चिकना सा। अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से हाथों में गोल बनाना हो तो गोल रहने दें, और थोड़ा चपटा करना है तो हथेलियों से ऐसे दबा देंगे। तो इस तरह से बना लेते हैं, मैं चपटा करके थोड़ा बना रही हूँ। गोल वाला भी बना सकते हैं, प्रोसेस तो यही होता है। चाहे आप गोल बनाएं इस तरह से, चाहे चपटा बनाए। अब गोल रसगुल्ले की तरह भी छोटे छोटे साइज या बड़े बड़े साइज आप रख सकते हैं रसमलाई का। तैयार हो गया इतना बन के कि दोस्तों सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। थोड़ा चपटे करके बनाए क्योंकि रसमलाई ज़्यादातर इसी तरह की होती है। तो चलिए अभी चलते हैं चूल्हे के पास, और मौसम दिखा दीजिए फिर। बारिश से बना हुआ है लेकिन अभी बारिश नहीं हुई, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और कुछ इस तरह से मौसम किया हुआ है। चलिए आइए चूल्हे के पास। गैस का बारिश आ रहा। देखिए दोस्तों पानी में अच्छा उबाल आ गया है, चाशनी बन चुकी है। अब इसमें हम सारे जो बनाए हुए हैं बॉल्स छेने का वो सब डाल देंगे। देखिए अच्छा उबाल आ गया है, अभी आंच तेज रखेंगे और एक एक करके डाल देते हैं इसमें। और इसको ना 5-6 मिनट तक एकदम भी छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, और इसको ढक देंगे, ये अपने आप उबलते रहेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों इसमें मैं झाग के लिए 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। झाग बनाने के लिए, झाग इसमें बनाना ज़रूरी होता है, तो मैदा 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। और इसको अब ढक देंगे, ढक के तेज आंच में इसको पकाएंगे। इसको ढक देते हैं, आंच तो तेज है ही, तेज आंच में इसको 10 मिनट तक उबालना है दोस्तों। अभी 5-6 मिनट इसको ऐसे ही बंद रहने देते हैं, अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस उबलते रहेगा ये चाशनी में अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी से हम चेक करते हैं। और ये देखिए सारे बॉल्स बहुत अच्छे से पानी में तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाप से कम ही दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छे से देखिए पानी में तैर रहे हैं। तो इसे फिर से कवर कर देते हैं। 5 मिनट मैंने तेज आंच रखा है और 5 मिनट मीडियम आंच रखूँगी। मौसम आप देख सकते हैं 5:15 हुए हैं और एकदम अंधेरा अंधेरा सा कर दिया अभी से ही, जोरदार बारिश होगी। भाप से तो दिख नहीं रहा है लेकिन चेक करते हैं, बहुत अच्छे से पके हैं दोस्तों, एकदम अच्छे से। और ये हमारे बहुत अच्छे से सारे बॉल्स पक गए हैं, लगभग 10 मिनट भी हो गया है। पलट देते हैं इसको,
बस 2 मिनट और रखेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, एकदम हमारे बॉल्स पक गए हैं, एक भी मेरा बॉल्स फटा नहीं है, आप देख सकते हैं। बस इसको 1 मिनट और उबालेंगे। तो दोस्तों बॉल्स को हमने चेक कर लिया है, बहुत अच्छे से हमारे बॉल्स पक गए हैं, फूल के बड़े भी हो गए हैं। इसको चूल्हे पर से उतार देते हैं और रबड़ी हमारी एकदम ठंडी हो गई है तो इसको सिर्फ इस पे रख देते हैं, हल्का गर्म हो जाएगा। और इसे लेके चलते हैं बाहर क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा हो गया दोस्तों, तो बाहर आ जाते हैं। इसे यहाँ रख देते हैं और यहाँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ, नज़दीक से देखिए हमारे बॉल्स बन के एकदम तैयार हो गए हैं। इसे हम अब नॉर्मल ठंडे पानी में डालेंगे। देखिए दोस्तों हमारे बॉल्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं फूल के, इसको इसे ऐसे दबा लेंगे, इसको हल्के चम्मच से दबा लेंगे और नॉर्मल पानी में डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से दबा दबा के इसको हम नॉर्मल जो ठंडा पानी है इसमें डालते जा रहे हैं। हमारे बॉल्स बहुत ही अच्छे और बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं दोस्तों, एकदम छोटे साइज का मैंने बनाया था लेकिन बड़े हो गए हैं, पानी में उबलने के बाद बड़े बड़े हो गए हैं। 1.5 kg गाय के दूध का ये छेना था और बहुत अच्छा से बन के निकाल लेते हैं। इसका एक्सेस पानी जो है रिमूव कर लेते हैं, निचोड़ लेते हैं हाथ से, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी पानी इसका निकल जाना चाहिए। तो मैंने हल्का गरम कर लिया है, कोई एक चीज़ गरम होनी चाहिए। तो अब देखिए सब पे डालते हैं, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। रबड़ी इतना डालना चाहिए कि सब डूब जाए अच्छे से। बहुत ही अच्छा हमारा जो रसमलाई है वो बनके तैयार हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। सारे रबड़ी को हम डाल देते हैं, हमारी रबड़ी बनके, हमारी रसमलाई बनके तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं गार्निश के लिए, इस तरह से। और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारा जो है तैयार हुआ है बनके, लेकिन अभी इसे नहीं खा सकते हैं, अभी इसे 5-6 घंटे के बाद खाएंगे। फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छे से जो रस है अब्जॉर्ब कर लेगा सारे बॉल्स अपने अंदर, तब ये बहुत अच्छा लगेगा। तो 2 बर्तन में मैंने इस तरह से निकाले हैं, अब देख सकते हैं जब ये रस अब्जॉर्ब करेगा ना तो और रस गाढ़ा भी हो जाएगा। और हमारी रबड़ी भी परफेक्ट बनी थी। तो दोस्तों देखिए रस मलाई बन के तैयार है, कैसी बनी आप लोग बताइएगा। अभी तो हम लोग चख नहीं रहे हैं क्योंकि इसको 5-6 घंटे के बाद ही खाएंगे। और रस मलाई की रेसिपी आप लोग कैसी लगी, एकदम गांव देहात के तरीके से मैंने बनाया है, कुछ भी बाहर का यूज नहीं किया, सब कुछ घर का ही है। गाय के दूध का छेना बनाया था 1.5 kg का और भैंस का दूध का मैंने रबड़ी बनाया था, दोनों को मिक्स करके बनाया है। और बस घर की चीज़ों से ही है, देखिए हल्दी डाला था थोड़ा सा, उसी में बहुत अच्छा कलर आ गया है, ना केसर डाला है ना लेमन कलर, और बहुत अच्छा से आ गया। तो इस रक्षाबंधन आप लोग चाहें तो बना सकते हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे बेसन का लड्डू भी बनाऊंगी। और हमारे यहाँ मूंग भी बहुत सारा हुआ है इस बार, तो मूंग के लड्डू और मूंग की जो बर्फी होती है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी बना के शेयर करूंगी। फिलहाल इसको अभी रख देते हैं फ्रिज में। रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी से रेसिपी के साथ, किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।